क्वेश्चन नंबर 23, ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, दे स्टार्ट टुगेदर एंड 60% वर्क इज डन बाय बी एंड सी, ए वर्क्स ओनली 2 डेज विद बी एंड सी एंड देन लेफ्ट, बी टेक्स 20% टाइम लेस देन सी, इफ 3000 इज पेड फॉर होल वर्क देन फाइंड आउट द शेयर ऑफ ऑल सेपरेटली, सभी के अपने अपने शेयर या फिर प्राइस बताना है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में किसी काम को फिनिश कर पाएंगे। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने काम को स्टार्ट किया एंड 60% ऑफ द वर्क इज डन बाय बी एंड सी, सिर्फ बी और सी ने ही 60% वर्क कंप्लीट कर दिया। बात समझ में आ गई। ए वर्क्स ओनली 2 डेज विथ बी प्लस सी एंड देन लेफ्ट, ए ने 2 दिन काम किया बी और सी के साथ और बाद में छोड़ दिया। बी को 20% कम टाइम लगता है सी से। देखो कंडीशन बहुत सारी दी गई है यहाँ पे, क्या हमें कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो वेजेस का रेशो होता है या फिर वेजेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, वर्क के। यहाँ पे हमने देखा कि बी और सी ने 60% वर्क कर लिया। बी और सी ने क्या किया, बी और सी ने 60% वर्क कर दिया, मतलब जो हमारा टोटल वेजेस रहेगा जो कि 3000 है यहाँ पे, उसका जो 60% रहेगा वो कवर कौन कर लेगा, बी और सी। वो कौन कवर करेगा, बी और सी। बात समझ में आ गई। मतलब ए बी और सी ने मिलके 60% वर्क किया है, 60% वर्क किया है। अब वर्क और वेजेस प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब क्या है, उसे 60% वेज भी मिलेगा, वेजेस भी मिलेंगे 60% किसका, टोटल वेजेस का। तो वेजेस ऑफ बी एंड सी कितना हो जाएगा, 60% ऑफ 3000, मतलब 3000 रुपए का 60%, क्योंकि 60% काम कर रहा है तो 60% पैसा मिलेगा। बात खत्म। 60/100 मल्टीप्लाई बाय 3000, 1800 रुपए। मतलब बी और सी का वेज मिला के कितना हो गया, कितना हो गया, 1800 रुपए। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखना है क्या बी, ये ए है, ये बी है और ये सी, क्या बी और सी का समेशन 1800 आ रहा है किसी में, इसमें तो नहीं आ रहा, अभी इसके बारे में बोल नहीं सकते। इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, हम लोगों के पास बी की 1000 वैल्यू है और सी की 800, यहां पे 800 और 1000, दो दो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो क्या बन सकते हैं, दो दो ऑप्शन। अब हमें देखना है, क्योंकि ए तो सेम है, हमें मतलब है बी और सी से, अब बी और सी से मतलब है, हमने ए को हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी बात नहीं की ए के बारे में, ठीक है। बी टेक्स 20% लेस टाइम देन सी, इस बात को हमने पकड़ ली कि वो बोल रहा है कि 20% कम टाइम लगता है। अगर टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना, वर्क अगर सेम वर्क करेगा, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, अगर वर्क सेम है तो जो टाइम का रेशियो रहेगा, जो टाइम का रेशियो रहेगा अगर उसका इन्वेस्ट कर दें तो वो किसका रेशियो बन जाएगा, एफिशिएंसी का। मतलब कम टाइम लग रहा है तो ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा टाइम लग रहा है तो कम एफिशिएंसी। बी टेक्स 20% लेस टाइम, बी को 20% टाइम कम लग रहा है, जब टाइम कम लग रहा है मतलब जल्दी कर पा रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। जब एफिशिएंसी ज्यादा है तो बी और सी ने सेम नंबर ऑफ डेज के लिए काम किया है, तो एफिशिएंसी ज्यादा है तो वर्क ज्यादा कौन करेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर सेम टाइम की बात की जाए तो ज्यादा वर्क कौन करेगा, बी करेगा। अब बी का वर्क किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। अब ए के बारे में बात नहीं की, क्यों, क्योंकि बी और सी ने 2000 कितने कर दिया, 1800 कर दिया, टोटल 3000 है तो बचा हुआ 1200 किसका रहेगा, ए का रहेगा। बात समझ में आ गई। ये तो डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, 60 कितना 36 3 1800 हो जाएगा, दोनों का समेशन 1800, इस बात को पकड़ा हमने और देख लिया कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो ज्यादा वर्क करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो 60% ऑफ द वर्क इज डन बाय बी एंड सी, इसका मतलब क्या है, ए ने कितना किया होगा 40% वर्क, ए ने कितना किया होगा 40% वर्क किया होगा। बात समझ में आ गई। बी और सी ने मिलकर कितना किया है 60% वर्क, क्लियर है। अब 40% वर्क ही किया है तो 3000 का 40% क्या होगा, 40/100 1200 रुपए,
तो यहां से डायरेक्ट आ सकता था 1200 रुपए ए के लिए, अगर सॉल्व करना है तो 1200 रुपए आ गया ए का। अब बी और सी की बात रही, बी और सी की बात रही, अब बी टेक्स 20% लेस टाइम देन सी। बी को क्या लग रहा है, 20% कम टाइम लग रहा है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये डिक्रीमेंट है और ये इंक्रीमेंट है। बात समझ में आती है, ये चीज क्या है, ये सी पी आर है, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। क्या ये कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, यहां से भी कर सकते हैं और तरीके भी हैं। 20% कम टाइम लग रहा है, 20% मतलब 1/5, ये कम का है ये ज्यादा वाले का है, 20% कम लग रहा है मतलब 1/5। अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू से लिख सकते हैं 1+4 लिख सकते हैं ना 5 को, तो y की वैल्यू 4, मतलब 20% कम टाइम लग रहा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 25% ज्यादा है, b की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है। बात समझ में आ गई, b की एफिशिएंसी क्या है, 25% ज्यादा है। एफिशिएंसी ऑफ b इज 1.25 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ c। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी समझ बात समझ में आ गई, मतलब इतना ज्यादा टाइम काम करेगा, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी इसकी 1/4, तो कितना जाएगा 5/4, ऐसा भी कर सकते हैं इसे, क्या कर सकते हैं, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, तो एक्चुअल में है कितनी, एक्चुअल में है कितनी इसकी, इतनी ज्यादा है तो 1+1/4 है एक्चुअल में, मतलब 5/4 है, मतलब 5/4 है। बात समझ में आ गई, ये किसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ सी। क्लियर है बात, एफिशिएंसी ऑफ सी अगर 4 है, 1/4 ज्यादा है, इसका मतलब एक थी, अगर एक है तो 1/4 ज्यादा मतलब 5/4, मतलब 4 किसके लिए आ गया, सी के लिए। अगर एफिशिएंसी सी 4 है तो एफिशिएंसी ऑफ बी 5 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसका, टाइम का, किसका मल्टीप्लाई कर दें, टाइम का, तो सेम टाइम के लिए किया है, टाइम क्या है देखो, सेम बी और सी सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया वर्क, ये क्या आ गया वर्क, किसके लिए, बी के लिए, क्योंकि जब टाइम सेम होता है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही कहलाएगा हमारा वेजेस का रेशियो। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी हमें यहां पे, ठीक है, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, जो अगर टाइम सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो ही वर्क का रेशियो होगा, वेजेस का रेशियो होगा, तो वेजेस किसका, बी का, डिवाइडेड बाई ए, सॉरी डिवाइडेड बाई सी, कितना आ जाएगा 5/4, इतना ज्यादा है, तो है कितना, बात समझ में आया कैसे किया, अगर इतना ज्यादा हो रहा है, अगर सी एक है, सी अगर एक है तो वो 5/4 होगा, है ना 5/4, अगर सी कितना हो जाएगा 5/4 मतलब 1.25, अगर सी 4 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25% 4 का 25% कितना होगा 1, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5:4 है वेजेस का रेशियो, तो 5+9 कितना हो जाएगा, 5+9 कितना हो जाएगा यहां पे, अब यहां से 60% का निकाल ले अगर 3000 का, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं दोनों को मिला के कितना हो रहा है 1800 रुपए, 1800 रुपए। अब देखो अगर ये 9 1800 के बराबर है तो एक किसके बराबर है 200 के, एक किसके बराबर है 200, तो B के लिए 500, B के लिए 5 है ना, ये B और ये C, B के लिए 5 है, तो 5 के लिए कितना 5 × 200, ये रेशो से हटा देते हैं इसे, और 4 के लिए कितना 4 × 200, तो ये आ जाएगा 1000 और ये C के लिए आ जाएगा 800। बात क्लियर है, B के लिए 1000 और C के लिए 800, यहां से भी कर सकते हैं, ये चीज समझ में आ गई, क्या किया यहां से, अगर यहां से ये चीज समझ नहीं आती है तो इसे हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं, ये हम परसेंटेज में देखेंगे तब जाके समझ में आ जाएगी, हम डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। हमें मेन निकालना क्या है, हमें मेन निकालना है वर्क का रेशियो, किसका, वर्क का रेशियो, वर्क का रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय, टाइम तो सेम लग रहा है दोनों में,
है ना, क्योंकि बी और सी साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना, तो एफिशिएंसी ऑफ सी। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी की बात करिए तो बी टेक्स 20% लेस टाइम, अगर लेस टाइम लग रहा है बी को, ये टाइम साथ में काम करे ये अलग चीज है, और ये साथ में अगर किसी वर्क को पूरे वर्क को करेंगे तो 20% कम टाइम लेगा, ये एफिशिएंसी रिलेटेड है। और ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है कितने टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो कितना टाइम वर्क होगा, ये वाला टाइम, ये टाइम अलग है, जिस ये टाइम है जिस टाइम के लिए वो काम करते हैं, जितने दिन के लिए वो काम कर रहे हैं साथ में, और ये टाइम वो वाला टाइम है जब वो अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो ये वाला टाइम 20% लेस टाइम। ठीक है, तो 20% लेस टाइम इसका मतलब कि अगर टाइम टेकन बाई बी और टाइम टेकन बाई सी का रेशियो देख, 20% लेस टाइम, अगर इसको 100 लग रहा है टाइम तो इसे 80 लगेगा, 20% मतलब क्या, 80 कितना हो जाएगा, ये 4/5। अब जो टाइम का रेशियो है उसका इन्वर्स हो जाएगा तो ये किसका रेशियो बन जाएगा, टाइम का जो रेशियो है वो अगर इन्वर्स हो जाए तो किसका रेशियो बन जाएगा, ये इन्वर्स हो गया ना, एफिशिएंसी का रेशियो। और जब टाइम सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो ही वेजेस का रेशियो रहेगा, वेजेस का रेशियो रहेगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब ए प्लस बी का शेयर, बी प्लस सी का शेयर हमें पता है तो किसका शेयर निकालना है हमें, अगर बी का शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है तो टोटल कितना 1800 डिवाइडेड बाई दोनों का, मल्टीप्लाई बाई बी की बात हो रही है तो 5, यहां से भी आ जाएगा 1000 रुपए। बात समझ में आ गई, तो करने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस को देख के ही बिना सॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी अंडरटुक अ वर्क फॉर ₹350, ए गॉट ₹150 मोर देन डेट ऑफ बी, व्हेन दे वर्क टुगेदर बी टेक्स 9 days मोर देन डेट ऑफ ए व्हेन दे वर्कड इंडिविजुअली। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द होल वर्क। देखो ये चीज हमने देखी देखी लग रही है, जो अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो क्या कर रहे थे हम लोग, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तब हमें वहां पे क्या चीज पता होती थी, वहां पे हमें इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज पता होते थे। अगर हम इंडिविजुअली उस वर्क को करने के लिए नंबर ऑफ डेज अगर पता लगा ले तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों साथ में मिलके कितने दिन में काम करेंगे वो चीज आ जाएगी। अब देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, ए एंड बी अंडरटुक अ वर्क फॉर ₹350, मतलब ए का वेजेस प्लस बी के वेजेस इक्वल टू ₹350, मतलब 350 रुपए। ए गॉट 150 मोर देन डेट ऑफ बी व्हेन द वर्क टुगेदर, जब साथ में काम करेंगे तो ए कितना 150 रुपए ज्यादा लेगा। ठीक है, ए को कितना रुपए ज्यादा लग रहा है, 150 रुपए ज्यादा लगेगा, किससे, बी से 150 रुपए ज्यादा ये लेने वाला है। ठीक है, बी को मिलेगा इतना। अब अगर हम ए की जगह रख दें 150 प्लस, अगर इसे यहां रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 times वेजेस ऑफ बी प्लस 150 इज इक्वल टू 350। अब यहां से वेजेस ऑफ बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 by 2 मतलब 100, कितना आ जाएगा 100। अब ए के लिए निकाले हम लोग तो क्या आ जाएगा, ए के लिए हम निकालेंगे तो क्या बोल रहा है, ए के लिए निकालेंगे तो 150 प्लस 100 इसका मतलब कितने रुपए, ₹250, मतलब 250 रुपए। और ये कितना, ये कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, मतलब बी को 100 रुपए मिलता है और ए को मिलता है 250 रुपए। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। बी टेक्स 9 days मोर देन रेट ऑफ ए, बी को 9 दिन ज्यादा लगता है, किससे, ए से। यहां पे देखो अगर हम किसका रेशियो निकालें, अगर हम वेजेस का रेशियो निकाले तो क्या हम यहां से उसका रेशियो निकाल सकते हैं, क्या वर्क का रेशियो, जो वेजेस का रेशियो है भाई वर्क का रेशियो होगा। या फिर पहले ये चीज लिख लेते हैं हम लोग, बी टेक्स 9 days मोर देन डेट ऑफ ए, तो ए को मान लो टाइम लग रहा है टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को 9 दिन ज्यादा लगेंगे, बी को 9 दिन ज्यादा लगेंगे ऐसे। ठीक है, अब जो वेजेस का रेशियो है
वेजेस का, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि सेम नंबर ऑफ डेज के लिए काम कर रहे हैं, तो जो वेजेस का रेशियो रहेगा वो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग, एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते, या फिर वर्क के ही ले लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या करें, देखो अगर हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, एफिशिएंसी का। अब यहां पे टी है और टी प्लस नाइन है, ठीक है, अब ये किसके बराबर कर देंगे हम लोग, ये किसके बराबर कर देंगे, वेजेस, क्या आएगा यहां से, वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर हम ऐसा बोल दें कि जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा, जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा, क्योंकि यहां पे सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए, इसे लगते 9 दिन ज्यादा है बी को, अगर पूरा काम करते हैं तो, है ना, इंडिविजुअल काम करते हैं तो टी को, देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, टी प्लस नाइन इंडिविजुअली व्हेन वर्क्ड इंडिविजुअली, जब वो पूरा काम करने के लिए हमें टाइम देता है, जब वो पूरा टाइम करने के लिए हमें पूरा काम करने के लिए टाइम देता है, तो उसका इन्वर्स हम लोग अगर निकालेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी, है ना। अगर ये इंडिविजुअली कर रहे हैं, जब अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब हम लिखते हैं, जब साथ में काम कर रहे हैं, तब दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम के लिए काम करेंगे, है ना, सेम नंबर ऑफ टाइम के लिए काम करेंगे। अब देखो वेजेस ये साथ में काम कर रहे हैं, है ना, एक्चुअल में इसे इतना लगता है, इसे इतना लगता है, ये अलग चीज हो गई, लेकिन ये साथ में काम कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ बी। अब देखो ये क्या है, ए को टी टाइम अगर लगता है तो बी को टी प्लस नाइन टाइम लगता है पूरा वर्क करने में, पूरा वर्क करने में, तो ये किसके बराबर होगा, ये पूरे के लिए गया है, ये भी पूरे के लिए रहेगा, तो इसका जो इनवर्स है टाइम टेकन बाय बी, और ये आ जाएगा टाइम टेकन बाय ए, बात समझ में आ गई, जो वर्क का रेशो है। अब ये कैसे आ गया यहां पे, ये क्योंकि यहां पे सेम नंबर ऑफ टाइम के लिए काम कर रहे हैं ना ये, तो क्या कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, ये चीज आ जाएगी बस। अब ये देखो वेजेस का जो रेशो रहेगा, जो वेजेस का रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, ए के लिए क्या आ गया 250 रुपए, और बी के लिए कितना आ गया 100 रुपीज। अब ये किसके बराबर होगा, ये एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, ध्यान से समझना ये कौन सा टाइम है, एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू टाइम। एक जगह हम बोल रहे हैं कि टाइम अलग अलग है, एक जगह हम बोल रहे हैं कि टाइम बराबर है। हमने ये बोला है कि जब वो किसी काम को अलग अलग करेंगे, अगर मान लो 20 यूनिट का वर्क है, ए की एफिशिएंसी अलग है, बी की एफिशिएंसी अलग है, ए की एफिशिएंसी अलग है, बी की एफिशिएंसी अलग है, तो ए को अलग टाइम लगेगा, बी को अलग टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, अगर एफिशिएंसी अलग है तो टाइम भी ज्यादा कम लगेगा। यहां पर किसको टाइम कम लगेगा, ए को टाइम कम लग रहा, मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। पूरा वर्क करने की अगर बात आ जाती है, पूरा वर्क करने की अगर बात आ जाती है, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो ये रहता है, वो ये रहेगा। लेकिन जब हम वर्क की बात करते हैं कि इतने टाइम में एफिशिएंसी, तो पूरे टाइम से आएगी, पूरे टाइम का इन्वर्स करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी, लेकिन वर्क कैसे आएगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम के लिए काम किया गया है, पूरे टाइम के लिए नहीं, जितने टाइम के लिए काम किया गया है, तो ए ने भी इतने टाइम के लिए काम किया है, बी ने भी इतने टाइम के लिए काम किया, तो उनका वेज कितना बनता है, वेजेस कितना बनता है, यहां लिखा ना वर्क टुगेदर, तो कितना बनेगा यहां से, ए का 250 और बी का 100 रुपए, 250 और 100 रुपए, ये वर्क के रेशियो के बराबर होते हैं, ये हमने यहां से पढ़ा है। ये चीज अलग कर दो और ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, बात समझ में आ गई। हमने यहां पे ये चीज इसलिए लिखी है, ठीक है। अब यहां से टाइम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अगर पूरा वर्क करते तो इतना टाइम लगता, ठीक है। ये टाइम क्या है, जितने टाइम के लिए काम करते हैं वो, वर्क निकालना है तो वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क ऑफ ए एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब इसने जितने टाइम के लिए काम किया, बी ने भी उतने टाइम के लिए काम किया है, लेकिन जो एफिशिएंसी का रेशियो, ये किसके इनवर्स आएगा, किसके इनवर्स का रेशियो होता है, पूरा काम करने के, पूरा काम करने में जितना टाइम लगेगा उसका अगर इनवर्स कर देंगे ना रेशियो को, तब जाके एफिशिएंसी का रेशियो आता है।
लेकिन जितने टाइम के लिए काम किया, क्योंकि एफिशिएंसी तो कांस्टेंट रहेगी, वो डिपेंड करेगी पूरा काम पे, पूरा काम कितना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम के लिए। मान लो एफिशिएंसी दो आ गई, दो घंटे की बात की तो चार वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है दो ही है, लेकिन छह घंटे के लिए काम करेगा तो बारह वर्क हो जाएगा। ये वेरी करेगा, लेकिन ये वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा वर्क करने में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। कितना, सौ यूनिट काम करता था ए, उसे मान लो दस घंटे लगते थे, तो मान लो क्या कहते हैं, उतना ही काम करेगा तो उसे दस घंटे ही लगेंगे ना, कम ज्यादा थोड़ी होंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या आ जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5/2 एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी 5/2 आ जाएगा, 5/2। अब 5/2 यहां पे रख देंगे हम लोग, तो ए बी को कितना टाइम लग रहेगा, टी प्लस 9, और ए को टी लग रहा है, तो ये 5t इक्वल टू 2t प्लस 18, तो ये टी बराबर 18/3, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। किस चीज में है ये, डेज में, 6 डेज। ए को कितने दिन लग रहे हैं काम करने में, 6 दिन लग रहे हैं, है ना, ए को 6 दिन लग रहे हैं, तो इसको कितना लगेगा, 6 + 9 = 15 डेज। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा रिड्यूस इससे, ए बी 6 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में। वर्क निकाला 30 आया, है ना, एलसीएम लेके। एफिशिएंसी निकाली 5, एफिशिएंसी निकाली 2। अब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क को 5 + 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 30/7, या फिर बोल सकते हैं 7/4 = 2, 2/4 = 7। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना फिर से एक बार, क्या किया हमने क्वेश्चन में, ए और बी को मिलता है किसी काम का 350 रुपए, ए और बी को किसी काम का मिलता है 350 रुपए, और ए को मिलता है 150 रुपए ज्यादा बी से जब वो साथ में काम करते हैं। ए को मिलता है 150 रुपए ज्यादा बी से जब वो साथ में काम करते हैं। दो इक्वेशन थी, यहां से हमने ए और बी के वेजेस निकाल लिए। क्या निकाल लिए, वेजेस। अब हमें ये चीज पता है कि वेजेस जो होते हैं वो किसके रेशियो में होते हैं, वो वर्क के रेशियो में होते हैं। वेजेस जो होते हैं वो वर्क के रेशियो में होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। वेजेस का रेशियो वर्क क्या होगा, सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं ना, दे वर्क इंडिविजुअली, जब वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो टी और टी प्लस 9 के लिए काम करते हैं, अगर वो पूरा काम अलग अलग करते हैं तो। लेकिन साथ में मिलके काम करेंगे तो जितने टाइम में ए करेगा उतने देर ही बी करेगा ना। हो सकता है उनकी एफिशिएंसी अलग अलग हो तो उनकी क्वांटिटी ऑफ वर्क भी अलग अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ डेज तो सेम रहेंगे ना। मान लो कि ए ने 20 दिन काम किया तो बी भी उसके साथ अगर काम कर रहा है तो बी भी तो 20 दिन काम करेगा, तो वर्क क्या होगा, दोनों का अलग अलग वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टी, या फिर 20, एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बात क्लियर है? तो दोनों ने साथ में जब मिलके काम किया तो दोनों के नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग सेम रहेंगे, तो ये वर्क आ गया। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जब एफिशिएंसी का हम रेशियो लिखते हैं वो इंडिविजुअल जो उनको टाइम लगता है उसके रेशियो के इनवर्स होता है ना, पूरा काम करने में, ना कि आधा, पूरा काम करने में। लेकिन यहां पे हमें वर्क कितना निकालना है, वर्क होगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जब दोनों सेम टाइम के लिए काम करें तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यहां से रखा तो टाइम आ गया, टाइम टी की वैल्यू निकल गई, टी की वैल्यू यहां रखी तो दोनों को अलग अलग टाइम आ गया, अलग अलग टाइम आ गया तो हमने उसे एक टाइम बना लिया जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, जो शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन अ कंपनी 4 मशीन्स रनिंग साइमल्टेनियसली एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ आर to produce 5/8 of the total order for wrenches, the remaining wrenches needed as per the order are to be produced in 3 hours with all 4 machines running at the same rate. If the cost of operating each machine for 1 hour is rupees 22, find the total cost of machine operation to meet the order. Wrenches मतलब एक machine tool होता है, ठीक है, जिसे wrenches बोलते हैं, ठीक। अब क्या हो रहा है कि किसी कंपनी में 4 मशीन है, 4 मशीन का साथ में यूज करने पे, 7 मशीन, 4 मशीन का साथ में यूज करने पे क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस कर रही है कांस्टेंट रेट पे। अब रेट की बात आ गई, इसका मतलब पर यूनिट टाइम की बात आ जाएगी।
ये हो सकता है कि वो बोल दे कि रेंचेस पर आर, मतलब एक घंटे में कितने रेंचेस बनते हैं, कितने रेंचेस बनते हैं ये उनसे बोल सकता है वो, पर आर की बात की गई है तो 5/8 ऑफ द टोटल ऑर्डर ऑफ रेंचेस, लेट द हम मान लेते हैं टोटल ऑर्डर ऑफ रेंचेस, टोटल ऑर्डर ऑफ रेंचेस जितने बनाने के लिए दिया था वो क्या है x, तो 5/8 यहां की बात की गई है 5/8 हो चुका है द रिमेनिंग रेंचेस, अब रिमेनिंग क्या है रिमेनिंग कितना है रिमेनिंग रेंचेस कितना है x था टोटल 5, इतना पार्ट हो गया ना तो बचा कितना 3x/8 इतना पार्ट, बात समझ में आ गई, इतना पार्ट बचा है। अब इतना पार्ट चार मशीन का यूज करके कितने टाइम में 3 घंटे में या फिर 3x/8 रेंचेस कितने टाइम में बनते हैं 3 घंटे में बात समझ में आ गई, कितने घंटे में 3 घंटे में, तो एक रेंचेस बनाने में कितना टाइम लगेगा चार मशीन का यूज करके, एक बनाने में कितना टाइम लगेगा 3 × 8/3x इतने आर लगेंगे एक बनाने में, 3 से 3 कैंसिल मतलब 8/x, चार मशीन पे एक रेंच बनाने में 8/x आर लगते हैं, ठीक है। तो टोटल हमें कितना बनाना है, टोटल हमें x बनाना है, कितने बनाना है x बनाना है टोटल, बात समझ में आ गई, कितने बनाना है x, तो x से मल्टीप्लाई कर दे क्या, ये 3x/8 क्या है रेंचेस है 3 घंटे में, ठीक है। तो चार मशीन पे एक बनाने में कितना टाइम लगेगा 8 यहां गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया 8/x, बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया है टोटल कितना बनाना है हमें, टोटल बनाना है हमें x, तो कितने घंटे लगेंगे टोटल हमें बनाना है x, टोटल हमें बनाना है x तो कितने घंटे लगेंगे 8 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे 8 घंटे लगेंगे, ये है रेंचेस, और ये है टाइम, ठीक है। ये मशीन है, चार मशीन पे बचा हुआ 3x/8 3 घंटे में बनेगा, तो चार मशीन पे एक बनाने में इतना टाइम लगेगा, चार मशीन पे एक बनाने में इतना टाइम, ठीक हो गया। चार मशीन में x बनाने में कितना लगेगा x, 8/x × x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, मतलब चार मशीन पे x बनाने में 8, मतलब जितने हमें बनाने थे वो चार मशीन पे 8 घंटे में बनेंगे, 4 machine and 8 hours, ठीक है। अब पैसे की बात कर ले थोड़ी सी, किसकी बात कर ले, पैसे की बात कर लेते हैं। ऐसा है कि एक मशीन, ईच मशीन फॉर 1 hour, मतलब ठीक है ये हमें निकालना है। अब हमने देखा कि एक मशीन एक घंटे का कितना रुपीस लेती है, कितना रुपीस लेती है 22 रुपए, एक मशीन की बात हो रही है एक घंटे की, तो एक मशीन देखो चार मशीन 8 घंटे तक चल रही है, इसका मतलब जो पहली मशीन है वो भी 8 घंटे तक चलेगी, दूसरी भी 8 घंटे तक, तीसरी भी और चौथी भी, क्योंकि चारों को मिला के कॉन्स्टेंट रेट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, रेंचेस बन रहे। तो एक मशीन जब ये जो पहली वाली मशीन है ये अगर 8 घंटे काम करे तो कितने रुपए बनाएगी, एक घंटे से कितना लेती है कितने रुपए से लेगी 8 × 22, जब एक घंटे का 22 रुपए है तो 8 घंटे का कितना लेगा 22, ये तो सिर्फ एक मशीन ले रही है, अगर चार मशीन आ जाए तो वो 8 घंटे के कितने लेगी, चार मशीन आ जाए तो वो 8 घंटे के कितने लेगी 4 × 8 × 22 इतने रुपए लेगी, बात क्लियर है, कितना हो जाएगा ये 32 × 22, 2 × 4 = 6, 407, 704 रुपए, 704। समझ में आ गया क्या किया हमने, देखो यहां से नहीं करना है तो एक तरीका और है, वहां पे कैसे कर सकते हैं बिना एक्स माने, हम लोग ये मान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेंचेस 8 थे
बात समझ में आ गई? देखो कैसे करना है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। देखो हमने मान लिया 5/8, मतलब अगर 8 प्रोडक्ट हो रहे हैं, 8 यूनिट का प्रोडक्ट है, तो 5 यूनिट हो रहा है, हो चुका है, और जो बचा हुआ वो कितना है? जब टोटल 8 है, नीचे वाला क्या टोटल क्वांटिटी होता है, नीचे क्या टोटल क्वांटिटी और ऊपर कितना कंप्लीट ये हो चुका है वो है, तो बचा कितना? 3 क्वांटिटी। टोटल 8 रेंचेस बनाने थे, 5 बन चुके हैं, 3 बनने हैं। अब 3 बनने हैं तो 3 रेंचेस 3 घंटे लगेंगे 4 मशीन पे, तो 4 मशीन का अगर हम यूज कर लें तो 1 घंटे में 1 रेंचेस बनेगा। 4 मशीन का यूज कर लें तो 1 घंटे में 1 रेंच बनाएगा, लेकिन हमें बनाना कितने हैं? 8। कितना बनाना है? 8 बनाना है। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, अगर हमें 8 बनाना है तो 8 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे ना, 4 मशीन 8 घंटे के लिए चलेगी, 4 मशीन 8 घंटे लेके चलेगी, तब कितना बनेगा? यही तो निकालना है। तो हमने देख लिया कि जब हमें बनाना है 4 घंटे में कितना, 4 मशीन पे 8 बनाना है, 4 मशीन पे 8 बनाना है, तो कितना हो जाएगा? एक मशीन 1 घंटे का कितना लेती है? 22 रुपये। तो एक मशीन 8 घंटे का कितना लेगी? 8 × 22। तो जब 4 मशीन हो जाएगी तो 4 × 8 हो जाएगा 704 रुपीज़, इतना रुपीज़ लेंगी। बात क्लियर है?